सरकार के साथ खुल करके बताए कि नशा विद्वार कौन रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग नशा विद्वार हैं, तभी तो इनके माइक छीने जाते हैं, शिक्षित के माइक छीन लिए जाते हैं, जिनको खुद से उतार दिए जाते हैं, जिनके बड़े पकड़ दिए जाते हैं, आप उनके गर्जे करके भजे लेने का काम करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल हर साल की तरह इस बार भी जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली करने जा रही है, जिसकी तैयारियां फतेहाबाद में जोर शोर से चल रही हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला खुद फतेहाबाद पहुंचे और उन्होंने रैली स्थल का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जीजीपी को लेकर पूछे गए सवाल पर अभय चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों के बारे में बात करके मजाक मत बनाओ जिनके हाथ से माइक छीन लिया जाता है और मंच से उतार दिया जाता है। खत्म तो होगी, खत्म ना होते तो फिर खत्म तो उस दिन हो गए थे जिस दिन इन्होंने बीजेपी के साथ जाकर के समझौता कर लिया। चौधरी देवीलाल ने कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर उन लोगों के साथ समझौता नहीं किया जिन्होंने आम लोगों को तकलीफ पहुंचाई। छोटो छोटी बातें हैं, इसका जिक्र ही ना करो। कोई और इस रैली से संबंधित, देश से संबंधित उन लोगों का जिक्र कर रहे हो जो खत्म हो चुके। स्कूलों के अंदर शिक्षित के माइक छीन लिए जाते हैं, जिनको मंच से उतार दिया जाता है, जिनके गले पकड़ लिए जाते हैं, आप उनके लड़के करके मजे लेने का काम कर रहे हो। स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है, स्कूलों को खाली कर दो। आज ऐसी हालत है, इस सरकार के जो गलत निर्णय, इसी की वजह से लोग आज सरकार से। इस दौरान अभय चौटाला ने उन तमाम नामों का एक बार फिर से जिक्र किया जो जननायक चौधरी देवीलाल जयंती पर आयोजित सम्मान रैली में शामिल होंगे। अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि सत्ता में शामिल लोग ही नशा तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं, यही वजह है कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल अभय चौटाला ने ऐलान किया है कि वो इसके खिलाफ रैली में बड़ा फैसला लेंगे। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, इसके लिए 25 सितंबर का इंतजार करना ही पड़ेगा। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।